ये बहुत खराब चीज हो सकती है हैदराबाद हाइड्रस के लिए। व्हाट, अल्ट्रॉन को यहाँ पर शॉट्स लेते रहना चाहिए था एंड कोशिश किया, लेकिन वहीं पर पीछे से आप एस ब्लैक को देखिए, उनकी तरफ से थोड़े से कवर्स आ रहे थे, कैरी की एचपी कम हो चुकी है। यही पॉइंट पहले भी हुई थी जब हैदराबाद हाइड्रस के ऊपर पिछले गेम में टीम स्पार्क के प्लेयर्स वो आ गए थे, इस बार हैदराबाद हाइड्रस आ चुकी है एंड चाहते ना चाहते फाइट लेनी पड़ेगी। यहाँ पर मावी को देखिए, एस ब्लैक के ऊपर डैमेज अच्छा खासा दिया था और वहां पर मैंटी को बचाना मेन पार्ट, लेकिन गेल को यहाँ पर स्पॉट किया जाए, इस बार गेल तैयार नहीं थे अंदर जाते हुए। एक अच्छा पिक यहाँ पर हैदराबाद हाइड्रस के द्वारा निकाला जाएगा। रिवाइवल साइड पर क्या नीड्स है हैदराबाद हाइड्रस के पास, वही एक इंपॉर्टेंट सवाल। नीड्स किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, डैमेज दोनों साइड से किया जा रहा है, लेकिन हैदराबाद हाइड्रस को रियल करने की सकती है इस जगह से। बिल्कुल को आप देखें, फिनिश वो जरूर हो चुके हैं, वहां पे रिवाइव नहीं किया जा पाया उनको। गिल की बात करो तो रिवाइव के स्पाइकर एक्सपीरियंस किया वहां पर, उत्तर को सुनाई दे दिशा में उन्होंने किया जरूर, गॉड लाइक की जो स्क्वाड है वो जरूर पीछे पे आने वाली है। जॉनाथन स्ट्राइकर को वहां पे डाउन करते हुए नजर आएंगे, टीम एक स्टाफ क्या है यहां पे थोड़ा सा और रुकने ठहरने की कोशिश करेंगे इनके करते हुए। जॉनाथन सीधा आगे जाते हुए दिखाई देगा, मैटी डैमेज उन्होंने लिया तो गाड़ी ब्लास्ट किया उनके द्वारा, मैटी सीधा खत्म होते हुए लास्ट पे है हमारा ब्लास्ट के सर्वाइव करने वाले यूनो इंडिया बहुत ज्यादा करीब इस वक्त इस दोनों स्पॉट से। सेंट्रल एरिया में इतनी सारी फाइट्स एकदम जल्दी शुरू हो चुकी है, गॉड लाइक के चौथे दिन गॉड स्पॉट करके बैटमिट यहां पर फिनिश कर दी बनाएंगे, उनकी टीम के पास दो फिनिशर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। इस लाख अकेले बचे हुए प्लेयर टीम एक्स पार्क साइडलाइंस में गॉड लाइक के प्लेयर्स साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग फिर से टूटने वाले जोन में आ चुके हैं। लोग टीम जो थी वो हैदराबाद हाइड्रस को बाहर का रास्ता दिखाएंगे उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट मैप पर, उनको बाहर यहां पर किया जाएगा। बट वेल दिस इज द मनी फाइट, दिस इज व्हाट एवरीवन वाज वेटिंग फॉर प्रोबेबली से, बट यहाँ पर पंख कोशिश थी उनकी कि 247 के प्लेयर्स को यहाँ से जाने ना दिया जाए, बट वेल दैट डिड नॉट हैपन। पीछे की तरफ की फाइट का चैलेंज यहाँ पर जाएगा, वाज इट गिल, यस इट वाज गिल की तरफ से एक नेट जाता है प्लेयर्स को पिक करते हुए, लेकिन ये पिक्स शायद कोई और ना निकाल रहा हो। देखिए टीएसएम के प्लेयर्स हैं जो फिनिशेस बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, मेरा मारो टीम एक्सपार्क का एक कर्स बन चुका है, ये जितने भी नॉक करते हैं फिनिशेस कोई और निकाल लेता है। टीम एक्सपार्क को देखना पड़ेगा आगे के लिए, लेकिन गिल को तो उनका फिनिश जो है मिल चुका है, दो फिनिशेस टीम के पास आ चुके हैं अभी के लिए। ग्रेनेडियर का टैग गिल के ऊपर लगता हुआ, गॉडलाइक के नियो का ही नेड, गॉडलाइक के नियो को ही लगता हुआ, बहुत दर्द देगा ये नेड और शायद टीम एक्सपार्क को पता चल चुका है कि सामने क्या हुआ है। प्लेयर्स उधर मूव करेंगे, मामी को देखिए आगे जा जरूर रहे हैं, गिल भी अल्ट्रॉन भी सब प्लेयर्स आगे, डाउन किए जाएंगे, इंपैक्ट अकेले वो डाउन नहीं हुए, अल्ट्रॉन भी डाउन किए जा चुके हैं, टीम एक्सपार्क गिल गोस डाउन एज़ वेल, द फोर्थ वन माइट जस्ट फॉलो अप एज़ वेल, क्योंकि स्काउट अकेले बचे, 1 एचपी पर ही सर्वाइविंग समहाउ। क्लच गॉड आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं, 134 गोलियां बट मैटर नहीं करता, स्टन करके ऊपर की तरफ को जाना चाहते हैं, स्टन जैसे ही फटेगा ये ऊपर की तरफ को मूव कर सके, इनको पता है कि प्लेयर ऊपर है, गॉड उसको भी किया जा चुका है, स्काउट नीचे की तरफ को आएंगे वापस उन सीढ़ियों पर ही वो विराजमान रह चुके हैं। आग भी है, मोलोटोव का डैमेज, एवरीथिंग इज अगेंस्ट स्काउट एंड द प्लेयर माइट बी फॉलोइंग डाउन टीम एक्सपार्क। आई डोंट नो शेयर, आई डोंट नो कि वो गलती अचानक से उनसे कैसे हुई, जबकि उन्होंने देखा कि उनका वो जो ग्रेनेड था वो अंदर गया भी नहीं, वो वहां पे रुक सकते थे, बट चलिए इसी के साथ टीम 6 फिनिशर्स के साथ नियो जो डाउन हुए थे उनको रिवाइव कर दिया गया एंड पूरा कंपाउंड उनको तोहफे में मिलता।